एक वर्ष तक भगवान उज्जैन में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट सुदामा से होती है। एक दिन सुदामा जी के साथ भगवान कृष्ण अपना शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे, तभी माता आती है और कहती है, कृष्ण और सुदामा आज तुम जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। सुदामा जी और कृष्ण जंगल में जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही उनने लकड़ियां काट कर रखी और बहुत ही तेज बारिश होने लगी। माता ने कुछ चने दे दिए थे कि जहाँ भूख लगे तुम दोनों मिलकर ये चने खा लेना। अब वहाँ पर इतनी बरसात हो रही है कि एक पेड़ पर सुदामा ऊपर चढ़ जाते हैं और उसी दूसरी डाली पर भगवान कृष्ण बैठे हैं। भूख बहुत तेज लग रही है, लेकिन बरसात के कारण भगवान आश्रम में नहीं आ पाए। सुदामा को इतनी तेज भूख लगी कि वो पूरे के पूरे चने खा लिए। अब जब सुबह बरसात कम होती है, पानी गिरना बंद हो जाता है, तो दोनों पेड़ से उतरते हैं। भगवान कहते हैं कि सुदामा बड़ी तेज भूख लग रही है, वो थोड़े चने हमें भी दे दो जो हमारी गुरु माता ने दिए थे कि दोनों मिलकर खा लेना। अब सुदामा के पास तो कोई चने थे ही नहीं। कहते हैं, कन्हैया मुझे क्षमा करना मित्र, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने वो चने खा लिए। अब भगवान कहते हैं, देखो चने तो खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भाग काहू को खाए के, किसी का भी भाग हो, भाई भाई का, भाई बांटन बराबरी से होना चाहिए। किसी का भी हिस्सा किसी को नहीं लेना चाहिए। भगवान कहते हैं, भाग काऊ को खाए के और यही मिले है सीख। होए दरिद्री आज ते और दर दर मांगे भी। सुदामा, किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। आज से तुम्हारे हिस्से में दरिद्रता आ गई। ऐसा कहकर दोनों लकड़ियां लेकर आश्रम वापस आ जाते हैं। माता ने कहा कि क्यों दोनों ने मिलकर चने खा लिए थे? भगवान ने कहा, हाँ माता, हम दोनों ने खा लिए थे। अपने मित्र की इज्जत का भी सवाल है, भगवान अपने मित्र का अपमान नहीं करवाना चाहते।